बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं आप सबको पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल गाइड के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक खलीफा की दानिशमंदी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी उर्दू की किताबें खोलें और सबक खलीफा की दानिशमंदी पर आ जाएं। सबसे पहले हम इस सबक के खास अल्फाज को पढ़ लेते हैं। तो इस सबक के खास अल्फाज ये हैं। पहला लफ्ज है अमूर, दूसरा लफ्ज है तरगीब, तीसरा लफ्ज है गुज़िश्ता, चौथा लफ्ज है कासिर और पांचवा लफ्ज है फला। दोबारा से दोहराइए, अमूर, तरगीब, गुज़िश्ता, कासिर एंड फला। इन खास अल्फाज को आप सबने अपनी कॉपीज पर पांच पांच मरतबा लिखना है। अब हम सबक की पढ़ाई करते हैं। सबक का नाम है खलीफा की दानिशमंदी। एक बार फिर से खास अल्फाज को पढ़ लीजिए, अमूर, तरगीब, गुज़िश्ता, कासिर, फला। खुल्फाए राशिदीन के दौरे हुकूमत के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ऐसा खलीफा अता किया जिसने गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दी। आपका नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था। आप बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। सरकारी खजाने को आम आदमी की फलाह के लिए खर्च करते थे। फजूल खर्ची को सख्त नापसंद करते और दूसरों को भी फजूल खर्ची से मना करते थे। आपको इतला मिली कि सिपा सालार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, उसके बावर्ची खाने का रोज़ाना का खर्च बहुत ज़्यादा है। आप बहुत परेशान हुए, सोचने लगे कि किस तरह सिपा सालार को फजूल खर्ची से बचने की तरगीब दी जाए। आखिरकार इनके दिमाग में एक तरकीब आई। आपने सिपा सालार को पैगाम भेजा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए दोपहर का खाना मेरे साथ खाओ। आपने बावर्ची को कहा कि खूब लजीज खाना तैयार करें और साथ ही जौ का दलिया भी बनाए। सिपा सालार मुलाकात के लिए आया तो आपने इससे ज़रूरी अमूर के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। आप उस वक्त तक गुफ्तगू करते रहे जब तक कि वो भूख से बेहाल ना हो गया। अदब और एहतराम की वजह से वो कुछ कह तो ना सकता था। आपने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया कि भूख के मारे उसका बुरा हाल है। उसकी ये हालत देखकर आप बावर्ची खाने के खादिम से बोले, हमारा खाना ले आओ। खलीफा ने बावर्ची को समझा दिया था कि पहले जौ का दलिया लाकर रखना। चुनाचा उसने जौ का दलिया लाकर इनके सामने रख दिया। आपने सिपा सालार से कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। सिपा सालार को सख्त भूख लगी हुई थी। उसने जी भर कर दलिया खाया। वो उस वक्त तक दलिया खाता रहा जब तक कि उसका पेट ना भर गया। आपने भी उसके साथ वही दलिया खाया। थोड़ी देर बाद आपने खादिम से कहा, हमारे मेहमान का खाना ले आओ। खलीफा का हुक्म पाते ही तमाम लजीज और मज़ेदार खाने हाजिर कर दिए गए। इतने सारे खाने देखकर सिपा सालार बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा पेट तो जौ के दलिये से भर चुका है। मैं मजीद खाना खाने से कासिर हूँ। ये सुनकर खलीफा बोले, हमने अभी जौ का दलिया खाया, इस पर सिर्फ एक दिरहम खर्च हुआ। अगर तुम एक दिरहम में अपना पेट भर सकते हो तो रोज ज्यादा क्यों खर्च करते हो? अल्लाह ताला फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। अगर तुम गरीबों की फलाह और बेहतरी के लिए खर्च करो तो दुनिया और आखिरत में भी फायदा होगा। सिपा सालार खलीफा के फरमान और अमली मिसाल से बहुत मुतासिर हुआ और उसने ज़िंदगी सादगी से गुजारने का अहद कर लिया। देखा बच्चों, कितने अच्छे तरीके से खलीफा ने अपनी बात समझा दी और इस तरह से नसीहत की कि सामने वाला उस पर अमल किए बगैर रह ही नहीं सकता। अब हम इस सबक की दोबारा से पढ़ाई करते हैं। खलीफा की दानिश मंदी।
खुलफाए राशिदीन के दौरे हुकूमत के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ऐसा खलीफा अता किया जिसने गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दी। आपका नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था। आप बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे, सरकारी ख़जाने को आम आदमी की फलाह के लिए खर्च करते थे, फजूल खर्ची को सख्त नापसंद करते और दूसरों को भी फजूल खर्ची से मना करते थे। आपको इतला मिली कि सिपा सालार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, उसके बावर्ची खाने का रोज़ाना का खर्च बहुत ज़्यादा है। आप बहुत परेशान हुए, सोचने लगे कि किस तरह सिपा सालार को फजूल खर्ची से बचने की तरगीब दी जाए। आखिरकार इनके दिमाग में एक तरकीब आई। आपने सिपा सालार को पैगाम भेजा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए दोपहर का खाना मेरे साथ खाओ। आपने बावर्ची को कहा कि खूब लजीज खाना तैयार करे और साथ ही जौ का दलिया भी बनाए। सिपा सालार मुलाकात के लिए आया तो आपने इससे ज़रूरी अमूर के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। आप उस वक्त तक गुफ्तगू करते रहे जब तक कि वो भूख से बेहाल ना हो गया। अदब और एहतराम की वजह से वो कुछ कह तो ना सकता था। आपने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया कि भूख के मारे उसका बुरा हाल है। उसकी ये हालत देखकर आप बावर्ची खाने के खादिम से बोले, हमारा खाना ले आओ। खलीफा ने बावर्ची को समझा दिया था कि पहले जौ का दलिया लाकर रखना, चुनाचा इसने जौ का दलिया लाकर इनके सामने रख दिया। आपने सिपा सालार से कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। सिपा सालार को सख्त भूख लगी हुई थी, इसने जी भर कर दलिया खाया। वो उस वक्त तक दलिया खाता रहा जब तक कि उसका पेट ना भर गया। आपने भी उसके साथ वही दलिया खाया। थोड़ी देर बाद आपने खादिम से कहा, हमारे मेहमान का खाना ले आओ। खलीफा का हुक्म पाते ही तमाम लजीज और मज़ेदार खाने हाजिर कर दिए गए। इतने सारे खाने देख कर सिपा सालार बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा पेट तो जौ के दलिये से भर चुका है, मैं मजीद खाना खाने से कासिर हूँ। ये सुनकर खलीफा बोले, हमने अभी जौ का दलिया खाया, इस पर सिर्फ एक दिरहम खर्च हुआ। अगर तुम एक दिरहम में अपना पेट भर सकते हो तो रोज ज्यादा क्यों खर्च करते हो? अल्लाह ताला फजूल खर्च कर लोगों को पसंद नहीं करता। अगर तुम गरीबों की फलाह और बेहतरी के लिए खर्च करो तो दुनिया और आखरत में भी फायदा होगा। सिपा सालार खलीफा के फरमान और अमली मिसाल से बहुत मुतासर हुआ और उसने ज़िंदगी सादगी से गुजारने का अहद कर लिया। बच्चों, इस सबक की तीसरी बार पढ़ाई हमेशा की तरह आपने खुद करनी है, ठीक है? अब हम इस सबक की मशकों को हल करते हैं। तो इस सबक की मशक नंबर एक है कि मंदरजा ज़ेल अल्फाज में से कुछ अल्फाज का इमला दुरुस्त है जबकि कुछ अल्फाज का इमला गलत है। मिसाल को देखते हुए इन अल्फाज में से दुरुस्त इमला वाले अल्फाज पर दायरा बनाएं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमें अल्फाज दिए गए हैं उनमें लफ्ज गुज़िश्ता आपने तलाश करना है। पहली बार गुज़िश्ता गैन ज़े शीन ते ता से लिखा गया है, दूसरी बार गाफ ज़े शीन ते ता से लिखा गया है और तीसरी बार गाफ से और शीन तोहे ताह से लिखा गया है। तो आपने इन तीनों अल्फाज में से सही लफ्ज का चुनाव करना है। तो इन तीनों अल्फाज में से जो सही लफ्ज गुज़िश्ता है वो है गाफ ज़े शीन तेहे ता। अब दूसरे अल्फाज जो हमें गिवन है वो है तेरे तर का गाफ ये बे तरगीब, या फिर तेरे तर गैन ये बे गीब, या फिर तेरे तर ज़ाद ये बे जी तरजीब। इन तीनों अल्फाज में से आपने सही लफ्ज का चुनाव करना है। तो इन तीनों अल्फाज में से जो सही लफ्ज है वो है तेरे तर गैन ये बे गीब तर गीब। अब तीसरे कॉलम में हमें कॉफ अलिफ का सीन रिसर कासिर लफ्ज सीन रिसर से लिखा गया है, दूसरी बार कॉफ अलिफ का स्वाद रिसर कासिर लिखा गया है, तीसरी बार काफ अलिफ का एंड स्वाद रिसर कासिर से लिखा गया। यहाँ पे जो सही लफ्ज है वो है स्वादरिसर, इस लफ्ज का इमला दुरुस्त है। के बाद हमें लफ्ज फला फे लाम अलिफ ला हे
फला, या फिर फेल आमल इफला है, यहाँ पे है हुक्के वाला यूज हुआ हुआ है, यहाँ पे है हाथी वाला, और यहाँ पे फेल आमल इफला और आइन फला। तो यहाँ पे जो लफ्ज, इस लफ्ज फला की सही इमला है फेल आमल इफला है, हुक्के वाला है, साकिन फला। इन अल्फाज में खैर खर्च जैसा किन खर्च, या फिर खेरे खर्च जैसा किन खर्च, या फिर खैर खर्च छः साकिन खर्च। यहाँ पर इन तीनों अल्फाज में से लफ्ज खर्च की सही इमला है खैर खर्च छः साकिन खर्च। बच्चों ये थी मशक नंबर एक जो आपने अपनी किताब पर हल करनी है। अब आ जाइए मशक नंबर दो पर। मशक नंबर दो में नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर है, इन अल्फाज के दुरुस्त मायने पर दायरा बनाएं। पहला जुमला है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दी। आपने लफ्ज गुज़िश्ता के मायने तलाश करने हैं। लफ्ज गुज़िश्ता के मायने हैं सुनहरे, या फिर गुजरा हुआ, या फिर इस्लामी। तो लफ्ज गुज़िश्ता के मायने हैं गुजरा हुआ। लफ्ज गुज़िश्ता के मायने हैं गुजरा हुआ। दूसरा जुमला जो हमें दिया गया है वो है, हमें इंसानी फलाह के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर आपको लफ्ज़ फलाह के मायने तलाश करने हैं। तो लफ्ज़ फलाह के मायने हैं बुराई, भलाई, या फिर दौलत। तो लफ्ज़ फलाह के मायने हैं भलाई, लफ्ज़ गुज़िश्ता के मायने हैं गुजरा हुआ, लफ्ज़ फलाह के मायने हैं भलाई। अब तीसरे जुमले में, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिपा सालार को सादगी की तरगीब दी। यहाँ पे लफ्ज तरगीब को आपने तलाश करना है, इसके मायने तलाश करने हैं। तो क्या लफ्ज तरगीब के मायने हैं, इल्तिजा करना, या फिर तलकीन करना, या फिर मुंतखब करना। तो लफ्ज तरगीब के मायने हैं तलकीन करना। चौथे जुमले में, नईम आज स्कूल आने से कासिर है। तो लफ्ज कासिर के मायने हैं डरता, नाखुश, या फिर मजबूर। तो लफ्ज कासिर के मायने हैं मजबूर। नईम आज स्कूल आने से कासिर है, यानी मजबूर है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिपा सालार को सादगी की तरगीब दी, यानी तलकीन की। अब आ जाइए चौथा जुमला, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिपा सालार से अहम अमूर पर बात की। तो लफ्ज अमूर के मायने आपको तलाश करने हैं। तो लफ्ज अमूर के मायने हैं रास्तों, कामों, या फिर इंसानों। तो लफ्ज अमूर के मायने हैं कामों। लफ्ज तरगीब के मायने हैं तलकीन करना, कासिर के मायने हैं मजबूर, अमूर के मायने हैं कामों। अब आ जाइए मश्क नंबर तीन पर। मश्क नंबर तीन में मंदरजा जेल जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं है, जो कि आपको इन अल्फाज के जुमलों की तरतीब को दुरुस्त करना है। जैसा कि पहला जुमला है, हमारा आओ खाना ले। अगर हम इस लफ्ज की तरतीब को दुरुस्त करेंगे तो सही जुमला होगा, हमारा खाना ले आओ। दूसरा जुमला है, जिंदगी आप गुजारते थे बहुत सादा। इसकी सही तरतीब है, आप बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। तीसरा जुमला है, परेशान बहुत हुए आप सुन ये कर। इसकी सही तरतीब है, आप ये सुनकर बहुत परेशान हुए। चौथा जुमला है, खाया दलिया जी भर इस कर ने। इसकी सही तरतीब है, इसने जी भर कर दलिया खाया। पहले जुमले की सही तरतीब है, हमारा आओ खाना ले, हमारा खाना ले आओ। दूसरा जुमला, जिंदगी आप गुजारते थे बहुत सादा, आप बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। परेशान बहुत हुए आप सुन ये कर, आप ये सुनकर बहुत परेशान हुए। खाया दलिया जी भर इस कर ने, इसने जी भर कर दलिया खाया। बच्चों ये थी मशक नंबर तीन। अब आ जाइए मशक नंबर चार पे। मशक नंबर चार में एक दरहम खर्च है हुआ इस पर सिर्फ, सॉरी अभी मशक नंबर तीन का आखिरी जुमला है, एक दरहम खर्च है हुआ इस पर सिर्फ, और इसकी सही तरतीब है, इस पर सिर्फ एक दरहम खर्च हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं, अब शुरू करते हैं मशक नंबर चार। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज से जुमले बनाएं।
पहला लफ्ज है अमूर। अमूर के मायने क्या है? काम। इस लफ्ज अमूर को आप इस तरह से जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे आपसे जरूरी अमूर पर बात करनी है। मुझे आपसे जरूरी अमूर पर बात करनी है। दूसरा लफ्ज है तरगीब, यानी तलकीन करना। इसको आप इस तरह से जुमले में इस्तेमाल करेंगे, उस्ताद ने तलबा को नेक काम करने की तरगीब दी, यानी तलकीन की। उस्ताद ने तलबा को नेक काम करने की तरगीब दी। पहला जुमला, मुझे आपसे जरूरी अमूर पर बात करनी है। तीसरा लफ्ज है गुज़िश्ता। तो लफ्ज गुज़िश्ता को आप जुमले में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, गुज़िश्ता साल मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की। न गुज़िश्ता साल में कराची गई, न गुज़िश्ता साल में पाकिस्तान गई। तो इस तरह से आप इस लफ्ज को और भी डिफरेंट तरीके से जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुज़िश्ता साल मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की। चौथा लफ्ज है कासिर, यानी मजबूर। मैं आपकी बात समझने से कासिर हूँ। लफ्ज कासिर का जुमला है, मैं आपकी बात समझने से कासिर हूँ। अगला लफ्ज है फला, यानी भलाई। हमें गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। हमें गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। आखिरी लफ्ज है फजूल खर्च, और फजूल खर्च का जुमला है, फजूल खर्च शैतान का भाई है और फजूल खर्च को अल्लाह नापसंद फरमाता है। इस तरह से आप इन अल्फाज को खुद से भी इन अल्फाज के जुमले बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये तमाम जुमले आप देखिए और इनको अपने अल्फाज में या अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि अमूर, मुझे आपसे ज़रूरी अमूर पर बात करनी है। तरगीब, उस्ताद ने तलबा को नेक काम करने की तरगीब दी। गुज़िश्ता साल मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की। मैं आपकी बात समझने से कासिर हूँ। हमें गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए और फजूल खर्च शैतान का भाई है। बच्चों, ये थी मश्क नंबर 4। अब मश्क नंबर 5 है, इन सवालात के जवाबात दें। जैसा कि पहला सवाल है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज सरकारी खजाने को कहाँ खर्च करते थे? इसका जवाब है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज सरकारी खजाने को आम आदमी की फलाह के लिए खर्च करते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज सरकारी खजाने को आम आदमी की फलाह के लिए खर्च करते थे। ये था आपका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बावर्ची से क्या कहा? इसका जवाब है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बावर्ची से कहा कि बहुत लजीज खाने तैयार करे और साथ में जौ का दलिया भी बनाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बावर्ची से कहा कि बहुत लजीज खाने तैयार करे और साथ में जौ का दलिया भी बनाए। अब तीसरा सवाल है, सिपा सालार कब तक दलिया खाता रहा? इसका जवाब है, सिपा सालार इस वक्त तक दलिया खाता रहा जब तक इसका पेट ना भर गया। सिपा सालार इस वक्त तक दलिया खाता रहा जब तक इसका पेट ना भर गया। अगला सवाल है, खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिपा सालार ने क्या अहद किया? इसका जवाब है, खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिपा सालार ने जिंदगी सादगी से गुजारने का अहद कर लिया। खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिपा सालार ने जिंदगी सादगी से गुजारने का अहद कर लिया। पहला सवाल, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बावर्ची से क्या कहा? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बावर्ची से कहा कि बहुत लजीज खाने तैयार करे और साथ में जौ का दलिया भी बनाए। तीसरे सवाल में, सिपा सालार कब तक दलिया खाता रहा? सिपा सालार इस वक्त तक दलिया खाता रहा जब तक इसका पेट ना भर गया। चौथे सवाल में, खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिपा सालार ने क्या अहद किया? इसका जवाब है, खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिपा सालार ने जिंदगी सादगी से गुजारने का अहद कर लिया। बच्चों, मश्क नंबर 6 शुरू करते हैं। मश्क नंबर 6 में नीचे दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त अल्फाज से खाली जगह पुर करें। जैसा कि पहला जुमला है, खलीफा सादा जिंदगी गुजारते। अब इस जुमले में हमें क्या, इसमें हम
शामिल कर सकते हैं लफ्ज थे या फिर था, खलीफा सादा जिंदगी गुजारते थे। दूसरा जुमला है, इनके दिमाग में एक तरकीब आई, सॉरी इनके दिमाग में एक तरकीब आई या आए। तो यहाँ पर जो सही लफ्ज है, जैसे कि पहले में था गुजारते थे, दूसरे जुमले में तरकीब आई, तो लफ्ज तरकीब इस जुमले को सही तौर पे मुकम्मल करेगी। आपने सिपा सालार को पैगाम भेजे या भेजा, आपने सिपा सालार को पैगाम भेजा। चौथे जुमले में भूख के मारे इसका बुरा हाल थे या इसका बुरा हाल था, भूख के मारे इसका बुरा हाल था। चौथा जुमला है, पांचवा जुमला है, इसने जी भर के खाना खाए या खाया, इसने जी भर के खाना खाया। दोबारा से देखिए, खलीफा सादा जिंदगी गुजारते थे, इनके दिमाग में एक तरकीब आई, आपने सिपा सालार को पैगाम भेजा, भूख के मारे इसका बुरा हाल था, इसने जी भर के खाना खाया। बच्चों ये थी मश्क नंबर 6। अब आपके लिए जो घर का काम है वो है कि मुश्किल अल्फाज को 5 बार लिखिए, तमाम सवालात के जवाबात कॉपी में लिखिए और प्लस सबक की पढ़ाई करें। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप सब ने अपना काम बहुत सफाई से करना है और फिर उन इमेजेस को व्हाट्सएप पे शेयर करना है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।